तो एक और नया वीडियो में स्वागत है आप लोगों को। हम लोगों के पास एक एक्सेस कंपनी का मदरबोर्ड आया है। ये 61 मदरबोर्ड है एक्सेस का। इसका जो बेसिक प्रॉब्लम है ये नो डिस्प्ले कंडीशन पे है। तो आपको सबसे पहले मैं एक बार चेक करा देता हूँ। इसका फॉल्ट जो है हम लोगों ने पता कर लिया है और इसको लाइव अभी मैं रिपेयर भी कर दूँगा। 10-15 मिनट के अंदर ये रिपेयर हो जाएगा ऐसा मुझे लगता है। तो मैं कैमरा को थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ और फोकस कर लेता हूँ। तो इसमें जबकि मैं रैम लगाऊंगा और बाकी सारा चीज़ें लगाऊंगा तो ये जो है बोर्ड एक शॉट में ऑन हो रहा है लेकिन डिस्प्ले नहीं बन रहा है। इसे मैंने लगाया, यहाँ पे इसका फ़ैन है देख सकते हैं। तो मैंने सीपीयू को पावर दिया, एसएमपीएस को पावर दिया। एसएमपीएस को पावर दे के जब मैंने इसको ऑन किया तो देखिए फ़ैन बराबर घूमने लग गया है और सीपीयू भी बिल्कुल बराबर तरीक़ों से हीटिंग हो रहा है। और इसका जो दिक्कत है, यहाँ पे इसका एक आईसी लगा हुआ है, ये आपका हो गया नेटवर्क आईसी, लैन आईसी। ये जो है ये ओवरहीट हो रहा है जिस वजह से जो है बोर्ड बंद हो रहा है। मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ इसका ओवरहीटिंग का। तो मैंने एक बार बोर्ड को हाथ लगा के चेक किया था, मुझे पता चल गया था इसका क्या दिक्कत है। आप लोगों को दिखाने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। मैंने जो है इसके ऊपर थर्मल पेस्ट जैसे ही रखा तो ये देखिए साथ ही साथ तुरंत गायब हो जाएगा। थोड़ा सा थर्मल पेस्ट में इसके ऊपर रखने का कोशिश कर रहा हूँ तो वो मेल्ट होकर पिघल जा रहा है। कैमरा को मैं पास ला के दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखिए मेरा हाथ में जो थर्मल पेस्ट है, मैं अगर इसके ऊपर गिरा पाऊँ तो बहुत अच्छा होगा। देखिए इसको जैसे ही मैंने टच करा रहा हूँ तो ये पिघल जा रहा है। तो मैंने बोर्ड पर गिरा लिया, गिरने के बाद इसको जैसे ही मैं इसको ऊपर रख रहा हूँ ये देखिए तुरंत मेल्ट हो जा रहा है। इसको ऊपर रखते ही तुरंत मेल्ट हो जा रहा है। तो ये जो चिप है ये ख़राब है, इसको रिमूव करने से हो सकता है बोर्ड सक्सेस हो जाए। तो फटाफट मैं चिप को रिमूव कर लेता हूँ। मैंने कैमरा को जो है स्टैंड पर लगा लिया अपना फ़ोन को और मैं जो है इसका चिप को रिमूव करूँगा। आप लोग देखिए ये वाला चिप है, मैं जूम इन कर देता हूँ थोड़ा सा ताकि देखने में आसानी हो, प्रॉपर जूम इन कर दूंगा। तो ये वाला चिप है, ये मेल्ट हो जा रहा है इसमें थर्मल पेस्ट डालते ही। तो चिप को जो है निकालेंगे, निकालने के बाद एक बार देखेंगे डिस्प्ले आ रहा है कि नहीं। और निकालने के बाद डिस्प्ले आ जाता है तो उसके बाद हम इसमें नया चिप इंस्टॉल भी कर देंगे। और एक्सेस का मदरबोर्ड का एक भी वीडियो यूट्यूब में अवेलेबल नहीं है क्योंकि कोई इंजीनियर ऐसा नहीं है कि इसको बनाने के बाद वीडियो डाला है। तो ज़्यादातर केस में ये बोर्ड मार्केट में उतना सेल भी नहीं हुआ है। तो अगर आपको चिप लेवल लैपटॉप या डेस्कटॉप रिपेयर कराना है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा नंबर नीचे दिया रहेगा। बल्क में प्रोडक्ट भेजेंगे तो हम लोग रेट कम लेते हैं और साथ ही साथ ग्राफिक्स कार्ड का भी रिपेयरिंग होता है यहाँ। तो आप चाहे तो देख सकते हैं हम लोगों का चैनल विजिट करके। जो है इसका चिप को रिमूव कर रहे हैं। आप लोग वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा। हमेशा कोशिश कीजिएगा फ्रेश तरीकों से जो है चिप को, हमेशा कोशिश कीजिएगा फ्रेश तरह से चिप को बाहर निकालने का क्योंकि पिन वाइज शॉर्ट हो जाएगा नहीं तो। हमने फ्रेश कंडीशन पे पूरा चिप को बाहर निकाला है। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो ये देख लीजिए, चिप को मैंने पूरा फ्रेश तरीकों से बाहर निकाल लिया। एक भी पोर्ट जो है वो किसी का साथ किसी का टच नहीं है, लगता ही नहीं है कि यहाँ कंपनी का चिप बैठाया हुआ था यहाँ पर देखिए तो। और बाकी रहा बात कि इसका टेस्टिंग, इसका टेस्टिंग मैं एक बार करके देखता हूँ आप लोगों का सामने, लाइव में ही टेस्टिंग करूँगा।
देखते हैं सक्सेस होता है कि नहीं, क्योंकि इसमें तो और बेसिक कोई फॉल्ट मुझे अभी तक नहीं दिखा सिवाय ये चिप का। तो चिप मैंने निकाल दिया, बोर्ड को थोड़ा ठंडा होने देंगे, तब तक मैं टेस्ट बेंच पे जो है असेंबली लगा लेता हूँ, जूम आउट कर देता हूँ पूरा। तो टेस्ट बेंच पे मैंने लगा लिया, डिस्प्ले के लिए चेक करेंगे। इसका ज़्यादा से ज़्यादा आप कस्टमर से 250 रुपये ले सकते हैं अगर चिप आप यहाँ दोबारा नहीं बैठाएंगे तो ये 250 रुपये में रिपेयर हो जाएगा। और अगर आप चिप बैठाएंगे तो चिप का दाम अप्रॉक्सीमेट 300 से 350 रुपये आता है, तो इसको जोड़ के आप 500 से 550 रुपये का आसपास का बिल बना सकते हैं कस्टमर के लिए, जो कि एकदम ठीक ठाक रहेगा, क्योंकि एक्सेस का बोर्ड का चिप मिलना मुश्किल है। ये कंपनी का पुराना चिप आपको नहीं मिलेगा, नया चिप कंपनी आजकल दिन में लगता नहीं है कि बनाता है। तो हमने जस्ट चिप को रिमूव किया, जगह ठंडा हो चुका है, और जो है मैं कीबोर्ड लगा लेता हूँ। कीबोर्ड को मैंने लगा लिया, एक बायोस बैटरी भी हमें इंस्टॉल करके देना पड़ेगा, क्योंकि ये सारा बोर्ड जो है ये बायोस का बिना ऑन नहीं होता है, तो आपको जो है एक रनिंग बायोस बैटरी इसमें देना पड़ेगा। कस्टमर वाला सेल जो है वो डेड है, तो मैं दूसरा एक सेल लगा देता हूँ, रनिंग सेल कोई भी लगा सकते हैं 3 वोल्ट के आसपास आने से मतलब। तो सब कुछ लगा दिया, लगाने के बाद जो इसको मैं ट्रिगर करूँगा, और सीपीयू का कॉर्ड लगाना भूल गया, लगाया और इसको जो मैंने ट्रिगर किया, ट्रिगर करने के बाद मैं डिस्प्ले देखिए बराबर तरीक़ों से डिस्प्ले आ गया है। कीबोर्ड पर देखिएगा तो एकदम सुंदर डिस्प्ले आ रहा है। और अगर आप लोग इसके अलावा भी संतुष्टि के लिए एक चीज़ कर सकते हैं वो है, आपका टेस्ट बेंच का तो हालत देख ही रहे हैं, इसमें मैं VGA कनेक्टर लगा देता हूँ जो अपना मॉनिटर है उनका। तो ये रहा इसका VGA कनेक्टर, तो जूम आउट कर लेता हूँ एक सेकंड में, कैमरा को रख रहा हूँ एक बार, VGA कनेक्टर को लगा लेता हूँ। एक हाथ से कैमरा पकड़ के कनेक्टर लगाना मुश्किल है यार, ये अनकट रहेगा, मैं बात जो कर रहा हूँ वैसा ही रहेगा, कि कोई दूसरा बोर्ड लगा के आपको दिखा दिया ऐसा बात नहीं है। तो ये हमने VGA कनेक्टर को इंस्टॉल किया, और ये देखिए डिस्प्ले बराबर आ गया है। और ये रहा VGA कनेक्टर का वायर, यहाँ से जाता हुआ आपका पूरा पीछे से होके ये जा रहा है आपका मॉनिटर तक। तो ये था रिपेयरिंग का डिटेल वीडियो। तो अगर आपको अच्छा लगे और आपको कुछ सीखने को मिला है तो हमें संपर्क कीजिएगा, हम लोग आपको इस तरह का इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। साथ ही साथ जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।